जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि इस समय अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है, जहां रामलला की जो मूर्ति स्थापित की जाएगी उसके लिए नेपाल की गंडकी नदी से शालिग्राम पत्थर लाए जा रहे हैं। जी हां, बता दें कि इन पत्थरों से ही भगवान राम की मूर्ति तैयार की जाएगी और ये पत्थर दो टुकड़ों में है और इन दोनों शिलाखंडों का वजन 127 क्विंटल है। वहीं जानकारों का कहना है कि कई महीनों की खोज के बाद शालिग्राम पत्थर के इतने बड़े टुकड़े मिल पाए हैं और ये शिलाखंड 2 फरवरी तक अयोध्या आ पाएंगे। दरअसल बता दें कि शालिग्राम पत्थरों को शास्त्रों में विष्णु स्वरूप माना जाता है, इसलिए भगवान राम की मूर्ति तैयार करने के लिए इन शालिग्राम पत्थरों को लाया जा रहा है, जिन्हें नेपाल से अयोध्या आने में 4 दिन का समय लगेगा और ये काफिला रोजाना करीब 125 किलोमीटर का सफर तय करेगा। वही जानकारी के मुताबिक 3 दिन पहले नेपाल में पोखरा के पास गंडकी नदी से इन शालिग्राम पत्थर की 2 शिलाओं को क्रेन की मदद से बड़े ट्रक में लोड किया गया था, जहां इन पत्थरों को सबसे पहले पोखरा से नेपाल के जनकपुर लाया गया और फिर जनकपुर के मुख्य मंदिर में पूजा अर्चना की गई, जिसके बाद शुक्रवार को इन शिलाखंडों का 2 दिवसीय अनुष्ठान प्रारंभ हुआ और फिर इस विशेष अनुष्ठान के बाद ये शिलाएं बिहार के मधुबनी बॉर्डर से भारत में प्रवेश कर अलग अलग जगहों पर रुकते हुए 31 जनवरी की दोपहर बाद गोरखपुर के गोरक्षपीठ पहुँचे। वहीं इन शिलाखंडों की यात्रा में जनकपुर और बिहार के साधु संतों के अलावा विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और हिंदूवादी संगठनों के पदाधिकारी भी साथ रहेंगे। साथ ही नेपाल के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री 25 अन्य पदाधिकारी नागरिकों के साथ शिला को रवानगी देने के बाद अब भारत भी आएंगे। वहीं अगर बात की जाए ये शालिग्राम शिलाएं किन किन मार्गों से होकर अयोध्या पहुंचेगी तो बता दें कि जनकपुर में विशेष अनुष्ठान और पूजा के बाद इन शालिग्राम शिला ने बिहार के मधुबनी जिले के बॉर्डर से भारत में प्रवेश किया है, जिसके बाद मधुबनी से साहरघाट प्रखंड, कम्पोल स्टेशन, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, त्रिपुरा कोठी, गोपालगंज होते हुए सासामूसा बॉर्डर से यूपी में प्रवेश करेगी और फिर ये शिलाएं गोरखपुर के गोशीर पीठ पहुंचेगी, जहां इन शिलाग्राम शिलाओं की पूरी विधि विधान से पूजा अर्चना होगी। सूत्रों की माने तो इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां मौजूद रह सकते हैं और फिर गोरखपुर से चलकर 2 जनवरी को ये शिलाएं अयोध्या पहुंचेगी, जहां संतों महंतों द्वारा इसकी विधिवत पूजा अर्चना की जाएगी और फिर अयोध्या पहुंचने के बाद शालिग्राम की इन शिलाओं से रामलला की मूर्ति तैयार की जाएगी। जानकारी के मुताबिक बता दें कि कहा जा रहा है कि रामलला की ये मूर्ति 5 से 5.5 फीट की बाल स्वरूप की होगी और इस मूर्ति की ऊंचाई इस तरह तय की जा रही है कि रामनवमी के दिन सूर्य की किरणें सीधे रामलला के माथे पर पड़े। वहीं बता दें कि भले ही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अयोध्या में जन्मे, लेकिन उनका ससुराल जनकपुर नेपाल में था। ये रिश्ता अपने आप में ही महत्वपूर्ण है, इससे साफ जाहिर है रामलला एक बार फिर अपने ससुराल को अपने देश से जोड़ेंगे और उस पुराने रिश्ते को कायम कर देंगे जो वर और ससुराल पक्ष के बीच होता है। हमारे इस वीडियो पर आप भी अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं, साथ ही वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें और ऐसे ही देश और दुनिया से जुड़ी जानकारी जानने के लिए आज ही INN डिजिटल मीडिया को सब्सक्राइब जरूर कर लें।